नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो HD पर। दोस्तों, आजकल हर देश अपनी मिलिट्री के लिए अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स यानी मिलिट्री रोबोट्स तैयार कर रहा है, जिससे वो अपने सोल्जर्स को बिना नुकसान पहुंचाए दुश्मन को खत्म कर सके। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही कमाल के अनमैन्ड आर्मी रोबोट्स दिखाने वाले हैं जो कई देशों ने बनाए हैं, और इनमें हम आपको भारत द्वारा बनाया गया एक रिमोट कंट्रोल्ड मिलिट्री रोबोट भी दिखाएंगे। पर उससे पहले इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक जरूर पहुंचा दीजिए। आइए अब मिलते हैं इन मॉडर्न रोबोट से। पेश है आपके सामने मट यानी मल्टी यूटिलिटी टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट, और ये एक अनमैन मिलिट्री रोबोट है जिसे US की मरीन कॉर्प्स यूज करती है। मट रोबोट में एक मिनी गन इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से यह अपनी यूनिट को कवर फायर देकर उन्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। मट का बेसिक यूज दुश्मन के इलाके में सोल्जर्स को ले जाना है। इस रोबोट पर सोल्जर्स अपना भारी सामान रखकर इजीली आगे बढ़ सकते हैं, और इसकी सबसे मजे की बात तो ये है कि कोई भी इसे रिमोट के जरिए ऑपरेट कर सकता है। मट जमीन और पानी दोनों पर चलाया जा सकता है, जिसकी वजह से यह और भी खास बन जाता है। मिलिए रैम्बो से, जो सच में एक ऐसा मिलिट्री रोबोट है जिससे डरकर दुश्मन भागना शुरू कर देंगे। देखने में यह एक मिनी टैंक की तरह लगता है, पर इसमें आपको एक ऑटोमेटिक गन मिलती है जिसे रिमोट के जरिए ऑपरेट करा जा सकता है। ये अनमैन्ड व्हीकल 1 टन तक का वजन उठा सकता है। अब चाहे सोल्जर्स अपना सामान इसमें रख दें या फिर किसी घायल सोल्जर को किसी सेफ जगह ले जाना हो, रैम्बो हमेशा तैयार है। इसकी बैटरी 50 किलोमीटर तक का बैकअप देती है, वहीं इसका डीजल इंजन 150 किलोमीटर तक सोल्जर्स का साथ देता है। यह है मिलरैम थेमिस, जो बेहद पावरफुल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस एक अनमैन मिलिट्री व्हीकल है। यह व्हीकल रिमोट के जरिए ऑपरेट करा जा सकता है, और इसे वाइड वैरायटी ऑफ मिशंस के लिए यूज करा जा सकता है, जैसे कि कॉम्बैट, इवैक्यूएशन, सप्लाई और स्पाइंग जैसे मिशंस। इस व्हीकल में आपको इंफ्रारेड, थर्मल और HDR कैमरास मिलते हैं, जिससे आप अंधेरे में भी आसानी से इस व्हीकल के थ्रू देख पाएंगे। और इसमें एक ऐसा वेपन सिस्टम दिया गया है जिसमें जैवलिन मिसाइल भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा इसमें एक ऑटोमेटिक फायरिंग सिस्टम भी दिया गया है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर बिल्कुल शोर नहीं करती, जिसकी वजह से दुश्मन के एरिया में बिना पता चले पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यह है DRDO की रिसर्च विंग द्वारा बनाया गया टच वॉरियर मिलिट्री रोबोट, जो भारत के कुछ अनमैन मिलिट्री व्हीकल्स में से एक है। इसमें एक ऑटोमेटिक गन मिलती है जिसे रिमोट के जरिए ऑपरेट करा जा सकता है। दक्ष वॉरियर के अलावा भारत ने दक्ष ROV को भी बनाया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव बॉम्ब्स को डिफ्यूज करना है। भारत कई अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स भी टेस्ट कर रहा है, और इनमें से एक UGV है मुंत्रा, जिसे भारत ने ही बनाया है। इस UGV में इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, सेंसर फ्यूजन, कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कई एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। मुंत्रा का मेन ऑब्जेक्टिव दुश्मन के इलाके में निगरानी रखना और माइंस का पता लगाना है। मिलिए आज की इस लिस्ट की सबसे कमाल की UGV से, जिसे अमेरिका की एक कंपनी ने बनाया है, और इसका नाम है हंटर वुल्फ। इस अनमैन मिलिट्री व्हीकल को बेसिकली मिलिट्री कॉम्बैट और पेलोड्स कैरी करने के लिए ही खास तौर पर बनाया गया है। ये UGV एक बार में 450 किलो का पेलोड कैरी कर सकती है, और इसके साथ ही इसमें 3 मशीन गन्स तक इंस्टॉल करी जा सकती हैं, जो इसे बेहद डेंजरस बना देती हैं। इसमें भी आपको इंफ्रारेड और थर्मल कैमरास मिलते हैं। साथ ही में इसके टायर्स इतने कमाल के हैं कि ये पानी और जमीन, गड्ढों और उबड़ खाबड़ जमीन हर जगह आसानी से चलाई जा सकती है। दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के मिलिट्री रोबोट्स और अनमैन्ड व्हीकल्स जो आजकल हर मिलिट्री तैयार कर रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई
और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल फ्रिंगो HD को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी जरूर दबाइए। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।